हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दूरबीन की बात करेंगे और जानेंगे कि दूरबीन कैसे बनता है और यह काम कैसे करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दूरबीन की सहायता से हम अपने से बहुत दूर स्थित वस्तुओं, ग्रहों और यहां तक कि तारों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर दूरबीन काम कैसे करता है। मुख्य रूप से दूरबीन तीन प्रकार के होते हैं, अपवर्तक दूरबीन, परावर्तक दूरबीन और मिश्रित दूरबीन, जिनका प्रयोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह से किया जाता है। आज हम अपवर्तक दूरबीन की बात करेंगे। अपवर्तक दूरबीन को बनाने में लेंसों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के दूरबीन में सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, जो एक बड़ा उत्तल लेंस होता है। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश इसी लेंस के द्वारा केंद्रित होकर दूरबीन के अंदर लगे पार्श्विक लेंस के पास पहुंचता है। पार्श्विक लेंस इस प्रकाश को एक समांतर किरण में अपवर्तित कर देता है, ताकि प्रकाश आगे लगे फिल्टर से आसानी से गुजर सके। दूरबीन में प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, ताकि वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सके। प्रकाश फिल्टर होने के बाद रिफोकस लेंस के पास पहुंचता है, जो कि प्रकाश को पुनः केंद्रित करने का कार्य करता है। प्रकाश केंद्रित होकर प्रथम पृष्ठीय दर्पण पर आपतित होता है। यदि प्रकाश पृष्ठीय दर्पण पर केंद्रित नहीं हो पाता है, तो फोकस गुंडी की सहायता से फोकस लंबाई को समायोजित किया जाता है। प्रकाश के केंद्रित होने के बाद पृष्ठीय दर्पण प्रकाश को नेत्रिका में परावर्तित कर देता है। कोई भी दर्शक नेत्रिका की सहायता से ही दूर की वस्तु का स्पष्ट और केंद्रित छवि देखता है। नेत्रिका में एक आवर्धक लेंस लगा होता है, जो फोकस घुंडी से जुड़ा होता है। इसकी सहायता से दर्शक वस्तु के छवि को केंद्रित और बड़ा कर सकता है और अपने से बहुत दूर स्थित वस्तु को अपने नजदीक देख सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।